हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोगों के इतना बोलने पर मैंने सोचा कि चलो एल्विश का जो रियल हिट का पॉडकास्ट था उसका वीडियो आज बना दिया जाए। मैं इतने टाइम से इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो है, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, बोर हो जाओगे, मतलब मुझे ये चीज़ ज़्यादा डर लग रहा था। बट आप लोगों ने इतना मुझे बोला तो मैं फाइनली आज गोवा आकर ये वीडियो बना रही हूँ। सारे दिन से घूम रही हूँ, उसके बाद आके अब कितना बज रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, तो प्लीज़ हाँ ये मत सोचना कि वीडियो डार्क आ रही आ रही है, अपनी तरफ से हमने बहुत अच्छा करा है। और अब स्टार्ट कर रहे वीडियो फटाफट से, लेट्स प्ले। लड़की क्या होती है, अब ये तो बार बार लड़की की बात करा है यार। हाँ भाई, लड़की की बात करो। 23 में इलेक्शन है दिसंबर में, तुम चाहोगे तो खड़े हो, तुम कह दो भाई, कमेंट कर दो कि खड़े हो जाओ, भाई मैं खड़ा हो जाऊंगा यार। भाई मेरे दिक्कत बन गई, और एक टाइम पे मेरे अभी तक है वो दिक्कत। वैसे मेरा आज दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस बार जो गेस्ट है, मतलब वो भाई आप चाहते थे कि वो तो आई आए और कमेंट ऐसे भर दिए थे कि भाई ये ही चाहिए आदमी, तो भाई एल्विश भाई हमारे साथ है। भाई क्या हाल है भाई? भाई एक नंबर है, एक नंबर, ऑल गुड भाई। भाई यूट्यूब करियर में मेरे कितने 6 साल हो गए, मैंने कोलैब नहीं करा मेरे हिसाब से किसी के साथ तुम्हारे अलावा। हाँ ये तो है भाई, किसी के साथ भी नहीं करा। और जो हमारा कोलैब आया था तब की भी याद है हमें, एक कॉल पे तूने कहा था डन है भाई। हमें लग रहा था, ये सोच रहे थे एल्विश मना तो नहीं कर देगा या क्या है, भाई अभी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा भाव भाव खाएगा, पर नहीं। कल वीडियो खत्म हुई मेरी, तो आज मेरा सिस्टम रहता है जैसे वीडियो खत्म और उसके बाद अपना एक दिन पूरा सो जाना, पर मैंने कल कह दी थी मैं पॉडकास्ट आज भाई ने नींद छोड़ी है हमारे लिए, तो बस नींद छोड़ दी यार, ड्राइव भी मैंने करी भाई, वो सोता था परला वाला। दो लोगों के लिए नींद छोड़ता है, एक तो हमारे लिए, दूसरा लड़की के लिए। ऐसा है क्या भाई? हम बाद में आते हैं, बल्कि लड़की पहले। हाँ भाई ये बातें आनी तो थी, ये दूसरी बात में ही आ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने कह दी थी मैं कुछ भी पूछ लेना, तुम तो सच में कुछ भी पूछ। एल्विश बता क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे चल रही है अभी, कैसा मजा आ रहा है, किस जोन में है, क्या हो रहा है लाइफ में? भाई अभी लाइफ में एक तो यूट्यूब वीडियोस चल रही हैं, और जो मेन चीज़ चल रही है वो है अपने व्लॉग्स, क्योंकि रोज की रोज ना मेरे को 250 दिन हो गए व्लॉग निकालते निकालते, उसमें अब रोज का वो रहता सिरदर्द की अब आज क्या करें आज क्या करें। एक टाइम था मैं सुबह उठता था 12-12 बजे, 1-1 बजे, क्योंकि टेंशन ना थी, उस पर रोस्ट निकालता, जब मैं महीने के 2 रोस्ट निकाल दिए, 3 निकाल दिए। अब ये सिस्टम है भाई व्लॉग निकालने रोज, तो उठना पड़ेगा जल्दी और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे व्लॉग भी बने, तो भाई ये चल रहा है। तो अब भी व्लॉग ही तो बनाना आया हूँ मैं इधर, तुम्हें क्या लग रहा पॉडकास्ट करना है? नहीं भाई काम चलता रहना चाहिए भाई, पर भाई इतनी कंसिस्टेंसी कुछ एक ऐसा रहता होगा, प्रेशर बना रहता होगा, तो उसमें लगता है कि यार कोई चीज खराब ना बन जाए, मतलब ऐसा कुछ रहता है कि यार अब प्रेशर ज्यादा हो गया, अब नहीं बना रहा आज, मतलब ऐसा होता है कि ब्रेक ले लिया प्रेशर की वजह से। जब नींद आ जाती है ना मेरे को, मतलब एक तो नींद पूरी नहीं हो पाती, रात को 3-3 बजे सोना, फिर सुबह जल्दी उठ जाना, तो जब नींद आ जाए दोपहर में कि भाई अब आज का रहने देते हैं, फिर रात ने उठ के मैं बनाना ही है यार, ये सिस्टम है, प्रेशर तो है भाई। भाई यही मेहनत अभी पे ऑफ कर रही है, चारों तरफ एल्विश हो रखी है पूरा। भाई क्यों नहीं हो रही चक्का जाम, आप करवा रहे हो बढ़िया तरीके, जहाँ जा रहे हो वहाँ चक्का जाम हो रहा है, VIP नंबर ऐसी थोड़ी आ रहा है भाई, बहुत मिन्नतों से लेकर आयो मैं इसे हाथ जोड़ के यार। VIP नंबर मिन्नतों से मिला या पैसे दिए थोड़े? भाई इसका क्या सिस्टम होता है, ये जैसे ट्रिप पर 1 से लेकर 100 तक नंबर मिलते हैं चंडीगढ़, वहाँ पे बिडिंग होती है, मतलब सपोज 1 नंबर पे 2 फाइल आ गई तो बिडिंग होगी, अब वो साढ़ा कला कितने तक भी जाए। तो मेरे साथ कौन लड़ गया था, बिल्डर है गुड़गांव का, एलान बिल्डर्स भाई, उसके द्वारा नावर कितनी गाड़ी है, वो हर बार उसको चाहिए 1 नंबर, और मुझे भी 1 नंबर चाहिए और बिड में आ जाए बैठने के लिए भाई। वो हमारे भी वो 5000 करोड़ का आदमी, हम भाई गरीब आदमी, वो हमारे अपनी, मैं लेकर आया था फॉर्चुनर 1 नंबर के लिए, वो बोला उरुस उरुस लाया और बोला मे बैक। मैं कहा यार ये तो लेके जाएगा, उसने जब मेरी 21,70,000 की बिडिंग मारी थी ना मैंने, तब उसने मारी थी 20 की, मतलब उरुस के लिए 20 का बजट था उसका, तो मैं वो कोई और ले गया, वो ले गया थार वाला बंदा 1 नंबर, वो था ड्रीम 11 वाला, जो
ड्रीम इलेवन ऐप जो है मतलब उन्हीं का साथ ही लेगा कोई, तो वो गया था 22 लाख का नंबर। उसके बाद मुझे लगा अब सिस्टम शॉर्ट हो गया, अगली में जाऊंगा ले गया जाऊँगा अगली, फिर वही आ गया इस वो उस पे चढ़ा के ले गया 0007। और इस पे मे बैक के लिए नंबर चाहिए था उसे 98 में ले लिया उसने। अब वो ले आया वो किया कार्निवल, मतलब उसका ये सीन है कि हर बार सीरीज खुलेगी तो उसे बिड मारने आना एक नंबर के लिए। पिछली बार तो मैं जीत गया उससे। कितने पे जीता, कितने खर्च करे बता दे आज, बता दे भाई आज हो जाए खर्च दिया भाई थोड़े बहुत यार कितने। अच्छा एक एक ब्रैकेट बता दे, जैसे 20 से 25 के बीच में। ना 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 10 से 15 के बीच में, मतलब तू वो बता दे एस्टीमेट। भाई जो पहली बिडिंग में गया था ना मैं, तब होड़ होड़ में मैंने बजट लगा रखा था कि 15 लाख रुपए तक की बोली मारूंगा मैं। तो वहां पे अंदर का सिस्टम होता है ऐसे स्टार्ट करता है भाई 5, हाँ भाई आगे कोई वो 6-7 ऐसे। तो उसके बाद अंदर क्या सिस्टम हुआ मेरे साथ, मेरे दिमाग फिसल गया। मैं कहा भाई ले कर जाऊँगा नंबर, मैं ले गया 15, 16, 17, 18, 20, 21 और नू होगा कि यार अब क्या हो रहा है, पर कर रहे हैं वह नंबर चाहिए। पर वो फिर भी वो ले गया क्योंकि जो आदमी लेना आया था उसका था बजट 1.5 करोड़ रुपया नंबर नंबर का, और उसने गाड़ी कौन सी उसकी थार 18 लाख की, हाँ 18 लाख की गाड़ी पे एक नंबर ले गया वो 22 लाख रुपये। अब जो मेरा आप दूसरे में लेकर आया हूँ ये भाई मैं आ गया थोड़ा 10 से 15 के बीच में या आ गया, तो सही है चलो बचत रह गई, नंबर भी मिल गया। भाई ये नंबर का वैसे चस्का अलग ही रहता, मतलब जैसे भाई ये चस्का भी पैसे से ही आता है, मतलब पैसे ना, देखो मैं बताता हूँ भाई मेरा क्या सीन है। जैसे सपोज किसी पे पैसा आ गया, आ जाए किसी पे भी तो भाई कोई क्लब जावे, कोई छोरी पौड़ावे, कोई शौक होते ना जैसे, तो मेरा कोई शौक नहीं है ऐसा कि भाई मैं क्लब में नहीं जाता, मैं कुछ नहीं करता ना, मैं उल्टे सीधे कोई काम करता। सही बात है, हाँ हम अग्री करते भाई, शौक है नंबरों का मेरे को। मैंने एक और नंबर लिया अभी राजस्थान का, ये तो कुछ नहीं है उसके आगे, जो राजस्थान का नंबर लिया मैंने अभी रिवील नहीं करा तो मैं बताऊंगा पर्सनल में बहुत कड़ा नंबर, तुम कहोगे ये कैसा नंबर ले लिया। हाँ माँ कसम भाई, ये इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से, मतलब मैंने बीच में जब इस लाइन में घुसा ना मैं कि नंबर नंबर का क्या सिस्टम होता, तो मुझे पता लगा बिकते भी हैं, खरीद के लोग महंगे में बेचते हैं। हाँ तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, और शौक भी पूरा हो गया कि भाई एक नंबर। ये तो बढ़िया बनिया काम किया आपने फिर। काम हमारे तो भाई व्लॉगिंग ज्यादा मुश्किल लगती है जो अपन वीडियोस बनाते हैं वो। भाई वीडियो बना रहा हूँ मैं 2016 से, व्लॉगिंग का क्या है, व्लॉगिंग वैसे इजी लगती है क्योंकि ये फोन टाया, फ्रंट कैमरा टाया, और एडिट भी मैं फोन में करता हूँ। और जैसे मेरे 20 मिनट का मेरे व्लॉग आते बड़े बड़े 18 मिनट 20, मैं 30-30 मिनट के भी डाल रखे हैं। जैसे सपोज 20 मिनट का व्लॉग है, मेरा एडिट पता कितनी देर में जाता 20 मिनट में, भाई टाइम ही नहीं मुझे। तो ये मेरे को लगता है इजी, ये तो शुरुआत से लेकर चला ना कि हाई लेवल एडिटिंग नहीं करनी ताकि ऑडियंस यूज्ड हो जाए, है ना, पता ही होता होगा कहां कट लगाना है। कट कुट नहीं लगाता मैं इतने, मतलब जो बोल रहा हूं मैं नॉर्मल, बस कैमरा उठा के बोलना सिंपल। तो व्लॉगिंग में ज्यादा इजी रहता है कि मतलब हां, और उसमें घनी सिरदर्दी भाई, उसको लिखो और उसके बाद उसे शूट करो, टीम बुलाओ, पैसे तो उनते हैं। जैसे मेन चैनल पे हम लोग वीडियोस निकालते हैं उसमें आउटडोर सीन भी होते हैं, तो बीच में ये मार्च अप्रैल में कितनी धूप होगी थी, तो भाई लिखते और भी सोचनी पड़ेगी कहीं बाहर का लिख दूं मैं, कहीं धूप में ना शूट करनी पड़ जा। वैसे तूने लॉकडाउन में भी काफी सारी वीडियोस निकाली, मतलब लॉकडाउन तेरा काफी अच्छा गया इन टर्म्स ऑफ वीडियोस भी और इन टर्म्स ऑफ व्लॉग्स जो रोस्ट आ रहे थे। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उस ड्यूरेशन को टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। जो पहला लॉकडाउन था भाई वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे आजकल जैसे मैं मीटअप कर रहा हूँ जितने भी जयपुर हो गया, लखनऊ में करा मैंने, तो यहाँ पे लोग क्या है, व्लॉग जो मैं वो बनाता रोस्ट उसकी ऑडियंस है, जो अब तक कट्टर ऑडियंस जो होती है जो मेरे साथ रहती है, तो उसी की वजह से आई है वहाँ पे मेरा। मैं व्लॉग चैनल था मेरा कितने पे था, व्लॉग करता था, व्लॉग चैनल ही था। मैंने सोच रखी थी कि ट्रैवल व्लॉग निकालूंगा, कि एक वीडियो शूट करी अपने घूमन निकल गए उसका व्लॉग डाल दिया, डेली व्लॉग का नहीं सोचा। पर उसके बाद क्या सीन हुआ, मैंने रोस्ट निकाला, मेरा कितने सब्सक्राइबर थे मेरे हिसाब से 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर थे मेरे, और रोस्ट निकालने के बाद मेरे हो गए 1 मिलियन। तो वो टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक्टिव ऑडियंस आ गई मेरे पास एकदम से, और वो हर जगह कनेक्ट हो गई, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, जिसकी वजह से ग्रोथ हो गई मेरी, मतलब जो नाम थोड़ा बना है भाई। लेकिन ना वो तेरा स्मार्ट मूव इसलिए भी था, तूने मुद्दे सारे एकदम जेन्युइन उठाए, बातों में सेंस था, मतलब ऐसा एक होता है कि बंदा कुछ भी बोल रहा है तो ऑडियंस भी इतनी स्मार्ट है कि भाई उसे पता है सारी चीजें, प्रूफ के साथ ही थी उस टाइम पे। स्टार्टिंग में तो मैंने मजे मस्ती के लिए खोला था, मतलब जो किसी का रोस्ट कर देना, किसी का मजाक उड़ा देना, कि भाई पहले तो मैं ये भी नहीं सोचता था कि भाई बॉडी शेम क्या होता, मैं कहा मोटा कह दी, छोटा कह दी, कुछ भी कह दी किसी से भी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं उस लाइन में घुसा ना, कि आजकल भाई जो जियोपॉलिटिक्स में कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके चक्कर में जो अवेयरनेस वाली वीडियोज़ निकाली ना मैंने, जो हिंदूवादी वीडियोज़ थी,
जिससे पब्लिक जुड़ी मेरे साथ, तो वो थी फैक्चुअल जो आप बता रहे हो ना कि फैक्ट्स के साथ, ताकि पब्लिक को मैं अवेयर कर सकूं। और भाई जो ये टॉपिक है ये इन इटसेल्फ करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए है ना, तेरे को भी डेथ थ्रेट्स धमकियां बहुत आई होंगी, तो कोई ऐसी कोई ऐसा किस्सा है जिससे तेरे को लगा हो कि यार करूं कि नहीं करूं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया या ये मैं वीडियो हटा दूं या कुछ ऐसा कि यार ये ना ज्यादा जा रहा है, ऐसा कुछ लगा कभी? मेरे को पाकिस्तान से फोन आते थे, फोन आते थे, व्हाट्सएप कॉल आती थी मेरे को पाकिस्तान से +92, तो मैं उठाया नहीं वैसे मैंने कभी, बट वो उसी के लिए थे क्योंकि जब उस टाइम पे थोड़ा हीट मोमेंट पे धमकियां आती थी, मेल आते, मेल तो पड़े मेरे पे, अब भी तेरी गर्दन काट देंगे ये कर देंगे, मगा यार ये तो कहीं सिमट ना जाऊँ, मैं बहुत सारे इलाकों में जाता नहीं हूँ इंडिया में ही। हाँ भाई मजाक से हट के, मैं अभी यहाँ पे गया, मैं लद्दाख गया, मैं लद्दाख का सीधा रास्ता कश्मीर से, क्यों नहीं गया मैं कश्मीर? मगा बीच धर ले साले आ जा, गाड़ी रोक के भाई एक गाड़ी मार मुर्द है व्हाइट फॉर्च्यूनर दूसरी पकड़ ली आ जा ए नंबर, और भाई पता ही होगा गाड़ी ब्लॉग ब्लॉग में आती ही है, तो भाई है थोड़ा सिस्टम है, बहुत लोग कहते हैं घर वाले कहते हैं तुम क्यों बोलता है क्यों बोलता है, मैं कहा भाई अब ऐसा ही हूँ मैं, हम तो सीधा बोले हैं जो बात है, तो भाई डेंजर लगता है ना, तो उसको डील करने के लिए अब रोस्ट कम करे तूने या ऐसा कुछ? रोस्ट का मतलब कम नहीं करे मैंने, मतलब खत्म कर दिया वैसे तो। उसका क्या सीन हो रहा था, मेन चैनल पे इम्पैक्ट आ रहा था, क्योंकि जैसा सपोज मैंने किसी का रोस्ट कर दिया जो कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है और जिसका बेस है यूट्यूब के अंदर, वो क्या करते हैं रिपोर्ट करवाते हैं मेरा चैनल, मेरे को बीच में पता लगा कि मेरा चैनल रिपोर्ट हो रहा है, व्लॉग चैनल तो हो ही रहा है मेन चैनल भी साथ साथ, जिसकी वजह से मेरी रीच कम हो रही है, मतलब बेसिकली जो मुझे पता लगी ना कि मेरी रीच क्यों कम हो रही है मेन चैनल की, वो इसी वजह से क्योंकि रिपोर्ट हो रही है, तो मैं कहा यार ये हेट के चक्कर में थोड़ा कम करते हैं इसको, कि अपना खाना पैसा तो कमावे किसी तरीके, पैसा ना आएगा तो क्या करेंगे। ये बात तो सही है भाई, और इनफैक्ट तेरे को पता है जैसे किसी कोई कोलैब में हमने रील डाल दी, जैसे हमने जो साथ में वीडियो करी थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आ जाते थे कि भाई इसके साथ वीडियो आप क्यों बना रहे हो, ये तो वो कर, तो एक इमेज वो बन गई, मतलब दो तरीके, एक पॉजिटिव भी है तो एक नेगेटिव साइड भी है उसकी। पब्लिक की शिकायत रहती है एल्विस भाई आप हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो, मैं कहा भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जो मेरी टीम है जैसे मेन चैनल की जो टीम है ना मेरी, भाई मुस्लिम्स है उसमें, शूट मेरी मुस्लिम करता है, एडिट मेरी मुस्लिम करता है, थंबनेल मेरी मुस्लिम बनाता है, पब्लिक मेरे ऊपर इल्जाम लगा हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं कहा भाई मैं गलत को गलत कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब गलत वो इंसान कर रहा है और मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ, तो तुम वो थोड़ी है कि भाई मुसलमान गलत हो गया, तुम पॉइंट नहीं समझ रहे, अब सौरभ भास्कर है, कुणाल कामरा है, मैंने इनका भी रोस्ट करा खूब उल्टा सीधा बोला, ध्रुव राठी है, ये मुसलमान थोड़ी है, तो एक इल्जाम जो मेरे पे लगता है हिंदू मुसलमान का, ये तो भाई बेफिजूल है भाई। ध्रुव राठी तूने बोल ही दिया है तो उसके बारे में कुछ? हाँ वो क्या सीन था, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली कुछ बता भाई। ध्रुव राठी की वीडियोस ना अब तो फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है, पहले थोड़ी ना वो होती थी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो क्या करता था धीरे धीरे माइंड वॉश करता पब्लिक का, छोटे बच्चों जो देखते हैं उसके पता नहीं लग पाता कि ऐसा लगता सही कह रहा है, बट अगर ढंग से सोचे ना वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता, मतलब अगर ढंग से देख, वैसे नहीं कोई काम कमी निकाल सकता, बट कोई ध्यान से अगर रिसर्च करे कि भाई इसने ये बोला ये बोला, तो वो चीज़ मैंने पकड़ ली, मैं कहा यार ये तो बेवकूफ़ बना हुआ है आदमी का, उसके चक्कर मैंने उसके ऊपर रोस्ट निकाला, ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ मैं काफ़ी, तो हमने ट्रेंड चलाया था गुड बाय NRI, उसको जैसे जर्मन शेपर्ड कह दे कोई भी, हम भी कहें मैं जर्मन शेपर्ड, मैं तो वो ट्रेंड आया था, सबसे पहले ट्रेंड करवाया था हमने वही गुड बाय NRI, एक नंबर पे था वो पूरे इंडिया में। तो ये सिस्टम है, बात भी हो रखी है, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई भी नहीं है मेरा, क्या दे रहा मुझे खाने का या फिर मेरा क्या बिगाड़ रहा, बट देश के साथ जो चीज़ खराब कर रहा है ना मेरे को लोग पसंद नहीं, चाहे सारा कोई हो। तो भाई कितना टाइम जाता है, जैसे तुझे तूने टाइम दिया होगा ऑब्वियसली उसकी वीडियोज़ देखना, फिर अपने जो तू रोस्ट की स्क्रिप्ट लिखता था कि भाई अच्छा ये बात मेरे पे उल्टी भी पड़ सकती है तो इसे ना बोलूँ, तो कितना टाइम लगता था और कितनी मेहनत लगती थी उसका कंटेंट देखने में? क्योंकि मुझे याद है तेरे रोस्ट आ भी बहुत जल्दी जाते थे कि मतलब तूने बोला और आ भी गए, और तू और बात में कुछ ऐसा भी नहीं होता था कि कोई पिन पॉइंट करके कह दे कि मतलब भाई, क्योंकि तेरे को देखने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत रिस्क पे थी तेरी इमेज कि या तो बनती जैसे आज है या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। बहुत लोगों ने मेरे पे भी रोस्ट निकाल रखे हैं, ऐसा नहीं है कि रोस्ट तो हाँ निकलते ही, मतलब रोस्ट तो निकलते ही फेमस लोगों पे है, पर मैं तेरी वो जानना चाहता हूँ तू रिसर्च कैसे करता था और कितना टाइम देता था और कितना डीप घुसता था उस चीज़ में। भाई ट्विटर जो है ना, ट्विटर पे अगर आप लोग हो शायद आपको पता हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उससे पहले न्यूज़ आती है वहाँ पे सारे
लोग ऐसे बैठ रखे जो सीधे फैक्ट्स देते हैं कि भाई इसने ये कर रखा, इसने 2015 में ये बोला, आज ये उल्टा बोल रहा, आज ये बोल रहा। ये जर्नलिस्ट हैं या आम जनता है? भाई ये वही लोग हैं, जैसे सपोज ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी का कोई पॉइंट पकड़ लिया मैंने और उसने 2015 में कुछ और बोल रखा, तो उससे वो कनेक्ट कर दिया कि एक टाइम पे ये बोलता था, आज ये बोलता है। और यूट्यूब टिकटॉक भी तुमने स्टार्ट करा था? आजकल जितनी भी पब्लिक मिलती है मेरे को ये बोलती है भाई टिकटॉक तो तुमने ही बंद कराया। मगा यार मैंने नहीं करा, सरकार ने कराओ, एक चीज तो ये जान लो। तो उसमें कुछ ये बताओ, उधर से टिकटॉक के जो हैं बंदे उनसे कॉल वॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, भसड़ हो रही है? भाई मैं नाम नहीं लूंगा, जब मैंने रोस्ट निकाला ना तो पब्लिक सपोर्ट में आ गई मेरे। अब ये हो गए टिकटॉकर ना दुश्मन बना लिए, टिकटॉकर तुम तो ये करते हो, तुम तो नचनिए हो, ये हो वो, गाली बकने लग गए उनको। मैं चाहता नहीं था ये हो, तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टा पे मेरे को मैसेज, लड़कियों के मैसेज आए, हे व्हाट्सअप, मगा इसने मेरे तक एक काम भाई कई छोरी आई भाई, मिलियन मिलियन में फॉलोअर, इसलिए मैसेज कर रही कि इससे बातचीत करके उसे रोस्ट करे तू, ताकि अभी क्या ही बताऊं मैं आज यहाँ सब बता दो आप रियल टॉक में अपने पूरी रियल साइड रखो, पता तुम्हारे गेस्ट भी हो। कोई नहीं, तो नाम मत लेना, क्या हो गया, नाम मिलूंगा उनके भी आए, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया बहुत लोगों ने मेरे से कि एल्विस भाई ठीक हो, क्या हाल है आपके, ताकि मैं रोस्ट ना निकालूं। एक वो है अरमान मलिक जिसकी दो वाइफ है, तो उसका मैंने रोस्ट करा कि ऐसे ऐसे दो बहू है इसकी तो जो कि सही है भाई, जी रहा अपनी जिंदगी। तो उसका वॉइस नोट आया मेरे पास, वीडियो देख के, एलिस भाई आपकी वीडियो देखी और आपने ऐसा ऐसा बोला मेरे को, मुझे बहुत मजा आया और आपकी एक बात मुझे बुरी लगी, कह रहा मैं हिंदू रहूँगा, ये वाला आया उसका। मतलब मैंने ऐसे बोल रखा था कि भाई हिंदूज के अंदर दो शादी करना इलीगल है, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स ही कर सकते हैं, मतलब दो तीन शादी जितनी भी वो करते होंगे। तो इस वाली बात पे उसका रिप्लाई आया था, वैसे तो सबसे भाईचारा सबसे बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैंने वो ही छोड़ दी किसी को कुछ कहनी उल्टी सीधी, पहले स्टोरी पर कुछ बोल दे करता ना मैं कि भाई समीर मार्क था जो उसके गैल में लड़ाई बजी थी, ये कर दे वो कर दे। अब मैं कहा भाई अपने मैच्योरिटी का टाइम आ गया, क्या मिल जाएगा किसी को गाड़ी बक्के। मैच्योरिटी भी और साइड बाय साइड तू बता रहा है कि तू पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो वो भी भाई देख हम पता क्यों बोल रहे हैं, अब मैं तेरे को बताता हूँ, तू बोल रहा है भाई फाड़ो, अब कुछ भी बोलो, इसलिए हमारे माइंड में आ रही है चीजें साले फाड़ो। भाई जैसे अभी मैं मिनिस्टर से मिल रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, देखो सही लग रहा देखो नहीं देखो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पॉलिटिक्स में, अभी मेरा जाने कोई सीन नहीं है, बट मैं ना चीजें ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा ये जैसे हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं भाई वहाँ पे फलाना एमएलए है वहाँ पे ये है, बट हम उसके ग्राउंड पे उतर के देखेंगे ना तो हमें पता लगेगा कि असली सिस्टम क्या हो रहा है। जैसे सपोज शुभम है, शुभम खड़ा हो गया इलेक्शन के अंदर, और ये वहाँ का सिस्टम बता रहा हूँ मैं, हमारे वहाँ का जो गांव एरियाज में होता है आज भी होता है, तो ये क्या करेंगे पहले तो खूब घरों में हाँ जी पैर छूके हाँ जी वोट दे दो वोट दे दो, और जब जीत गया ना फिर कुछ नहीं करते। बनाया है बनाया है और क्या।
हो ही नहीं सकती हो तो तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो अभी इतनी ही मैं डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वीडियो एक घंटा है पूरा पॉडकास्ट इनका जो हुआ था, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाओ देखते देखते. मतलब मैं बोर नहीं होंगी क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा. अब आप मेरे साथ देखोगे, पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता लग रहा ना. तो मेरे लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी कि मेरी ऑडियंस को ये रिएक्शन वीडियो देखने में मज़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, कॉमेंट्स में आप भर दो कॉमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं इसका जो भला हाफ पार्ट जो इसका बच गया है जहाँ पे मैंने अभी फिनिश किया, उसके बाद का रिएक्शन वीडियो फिर मैं ज़रूर बनाऊंगी. तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में ज़रूर. और आप लोग यार कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, व्यूज़ आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार उनको पसंद आ रहा तो मैं बनाऊँ. अभी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, इवन मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोला आप लोगों ने, तो वो कहीं ना कहीं से ना एक अंदर से आता है कि अब मैं इतनी थकी हुई हूँ, सुबह सुबह 5 बजे की उठी हूँ मैं, लेकिन मेरे को वो नहीं हो रहा. मेरे को था कि नहीं आज मेरे को रिएक्शन वीडियो बना कर ही सोना है ताकि मैं कल इसको अपलोड कर दूँ और आप लोग देख पाओ, और एटलीस्ट आपको ये लगे कि हाँ कीर्ति ने बोला था कि वो गोवा जाके वीडियो बनाएगी डालेगी तो उसने करा. तो आई रियली होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना वीडियो को, और कमेंट्स में मुझे बताना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो फिर मैं आप घर कल परसों घर चल जाऊँगी, उसके बाद आपके लिए ज़रूर सेकेंड पार्ट पर भी बनाऊँगी. टिल देन मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम.